तो फाइनली गाइस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इस ओप्पो एनको M31 का चार्जिंग टेस्ट। और ये चार्जिंग टेस्ट होगा दोस्तों सिर्फ 10 मिनट्स का। और यहाँ पर हम जो चार्जर यूज़ करने वाले हैं दोस्तों वो है रियलमी 6 प्रो का 30 वाट का फास्ट चार्जर। और मुझे भी नहीं पता दोस्तों कि ये वायरलेस ईयरफोन 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को झेल पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ये ईयरफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते। और यूट्यूब पर भी अभी तक यहाँ पर किसी ने भी इस ईयरफोन का फास्ट चार्जिंग टेस्ट नहीं किया हुआ है। बट तुम्हारा भाई आज इस वीडियो में इस चीज़ को करके दिखाएगा। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं आए हुए इस वायरलेस ईयरफोन को और अभी तक मैंने जो है इसे ठीक से यूज़ भी नहीं किया है। हो सकता है कि ये फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर जो है सपोर्ट ना कर पाए और ख़राब हो जाए, तो यहाँ पर 1800 रुपये जो है पानी में चले जाएंगे। और हमारा जो चैनल है वो इतना बड़ा भी नहीं है कि इस लॉस को झेल पाए, क्योंकि अभी कुछ भी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है दोस्तों हमारे इस चैनल से। बट फिर भी हम जो है रिस्क लेकर इस चीज़ को आज हम करने वाले हैं। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आगे चलकर आपको जो है ऐसे ही कंटेंट्स देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सभी को इस ईयरफोन के बैटरी स्टेटस चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी जो है मैंने इसको डीअटैच किया हुआ है और डीअटैच करने के बाद में ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं और पेड हो जाते हैं डिवाइस के साथ में। बट यहाँ पर अभी जो है ब्लूटूथ इसको फाउंड कर रहा है बट ये सर्च नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी है वो पूरी तरीके से डेड हो चुकी है इस ईयरफोन की। वहीं दोस्तों हम जो चार्जर यूज़ करने वाले हैं वो है रियलमी 6 प्रो का और इसकी आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट 6 एम्पियर, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये 30 वाट का चार्जर है और यहाँ पर ये टाइप सी केबल है जो कि आई है इसी ईयरफोन के साथ में। तो दोस्तों मैं करता हूँ चार्जिंग टेस्ट करने के लिए सेटअप को जल्दी से रेडी, तब तक के लिए आप इस वीडियो को कर दीजिए अभी कभी लाइक और शेयर। तो फाइनली दोस्तों सेटअप जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है चार्जिंग टेस्ट करने के लिए और अभी यहाँ पर टाइम हो रहे हैं 7:49। तो देखते हैं दोस्तों 10 मिनट के बाद में हमें यहाँ पर क्या स्टेटस देखने को मिलता है इस वायरलेस ईयरफोन का, क्या ये 10 मिनट्स में यहाँ पर बैटरी को कुछ परसेंट चार्ज कर पाएगा या फिर ख़राब हो जाएंगे, वो तो हमें आगे चलकर 10 मिनट के बाद में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों मैं जल्दी से कर देता हूँ यहाँ पर इस ईयरफोन को इस चार्जर से कनेक्ट और फिर देखते हैं दोस्तों 10 मिनट के बाद में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो इसको कनेक्ट कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये चार्ज होना स्टार्ट कर चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों 10 मिनट के बाद में, फिर देखते हैं कि हमें कितनी परसेंटेज बैटरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इस वायरलेस ईयरफोन की। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट जो है कंप्लीट हो चुके हैं, हमने इसको कनेक्ट किया था 7:49 पे और अभी यहाँ पर जो है 8 बज चुके हैं पूरे। तो अब मैं यहाँ पर जो है इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, 10 मिनट से यहाँ पर जो है ऊपर हो चुके हैं और यहाँ पर मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, अब मैं यहाँ पर इसको डीअटैच करता हूँ और पेयर करता हूँ अपने इस डिवाइस के साथ में। तो मैंने यहाँ पर इसको जो है डीअटैच कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीअटैच करने के बाद में यहाँ पर जो है ओप्पो एनको M31 फाउंड हो चुका है। तो कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कितनी परसेंटेज यहाँ पर बैटरी शो कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अभी जो है यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहा है और 60% यहाँ पर जो है बैटरी यहाँ पर चार्ज हो चुकी है 10 मिनट्स में। तो गाइज कम से कम खराब तो नहीं हुआ, ये फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है और हमारा लॉस होने से भी बच गया है। तो गाइज आप भी जो है इसको 30 वाट के फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो। बट गाइज हम यहीं पर नहीं रुकने वाले, हम इसको कोशिश करेंगे आने वाले कुछ दिनों में 65 वाट के फास्ट चार्जर से चार्ज करने की, फिर देखेंगे कि यहाँ पर जो ये ईयरफोन है वो 65 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट कर पाता है या फिर नहीं। तो गाइस तब तक के लिए आप जो है हमारे चैनल पर स्टे ट्यून करना और यार वीडियो को जरूर से एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पर इस ईयरफोन को 65 वाट के फास्ट चार्जिंग से चार्ज करने की। तो मिलते हैं हम दोस्तों बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।